अस्सलाम वालेकुम, आज एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे टूटी फूटी केक और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। अब देखने में ही लगता है आपको ना स्पंजी, और ये बिना ओवन का कुकर में बनाएंगे। सबसे इजी और सबसे आसान टिप्स हम आपको देने वाले हैं, तो चलिए बना लेते हैं। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए मैंने क्या क्या ली हूँ आप देख सकते हैं। मैं डालूंगी एक प्याला में, और मैं आपको पूरी मेजरमेंट एक साथ बताते चलूँगी। तो मैंने हाफ प्याली ऑयल ली थी, और उसमें हम डाल रहे हैं एक प्याली चीनी। ये नॉर्मल चीनी जो हम हमेशा यूज करते हैं ना, वही चीनी है। इसे ग्राइंडर में पीस लेंगे, तो ये चीनी का पाउडर हो गया। और इसे हम ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी जैसी बन जाएंगी। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे इसे, जितने अच्छे से मिक्स करेंगे आपकी केक उतना ही सॉफ्ट बनेगी। तो देखिए इसे मैं मिक्स कर लिए। अब इसे थोड़ी सी चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं, जब तक कि इधर थोड़ी सी कुछ प्रोसेस कर लेते हैं। तो ये टूटी फूटी, और इसमें हम एक चम्मच मैदा डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो मैदा डालने से ये टूटी फूटी बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। और एक केक टिन ले लेंगे जिसमें हम केक बनाने वाले हैं। इसमें थोड़ी सी ऑयल डालेंगे और इसे चारों तरफ इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। और इसमें हम दो चम्मच मैदा डालेंगे और चारों तरफ इसे फैलाएंगे इस तरह से, तो ये केक नीचे चिपकेंगे नहीं। तो ये देखिए फाइनल हो गई है, इसे हम रख देते हैं। तो केक बनाने से पहले सबसे पहले आप ये दो प्रोसेस ज़रूर करिएगा। केक टिन को तेल लगाइए या फिर बटर पेपर, इसे तैयार करके रख लें। और इसमें हम डालेंगे एक कप मैदा, यानी मैंने छोटी सी बॉईल ली थी उससे मैंने एक बॉईल डाली हूँ इसमें मैदा। और मैदे को छान करके ले, मैं भी छान करके कटोरी में रख करके मेजरमेंट आपको बताने के लिए मैंने सबको एक एक प्याले में रखी हूँ, ताकि आपको इजी समझ में आए। और मैंने दूध इसमें हाफ कप के करीब मेरी दूध लगी है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ मेरी दूध कितना लगा है और कितना बचा हुआ है। तो देखिए मैंने एक कप दूध ली थी, तो हाफ कप दूध लगा है। और इसे मैंने मिक्स कर ली, और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर डालेंगे, और एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा। तो याद रखिए बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा अलग अलग होता है, तो सोडा कम डालना है पाउडर ज़्यादा डालना है, और मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स कर लिए, और इसकी देखिए थिकनेस अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसी रहनी चाहिए। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी वनीला एसेंस, इससे बहुत अच्छी केक में बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये है वनीला एसेंस। आप चाहे तो इलायची का एसेंस भी डाल सकते हैं, आपको जो फ्लेवर पसंद आए वो आप डाल दें। और मैंने इसमें डाल दी टूटी फूटी, और इसे मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए ये थोड़ी सी थिक लग रही है, मैं इसमें एक दो चम्मच के करीब ऑयल और डालूंगी, क्योंकि टूटी फूटी डालने से और इसमें मैदा मिक्स थी तो थोड़ी सी थिक हो गई है। और देखिए मैं इसे कैसी रखी हूँ, इस तरह से जैसे हम गिराएं तो रिबन की तरह गिर जाएं, तो इसी तरह आपको केक की बैटर ऐसे ही रखना है। और देखिए इस तरह से कुछ टैप कर देंगे ताकि कुछ भी अंदर के बबल्स होंगे वो पूरी तरह से सेट हो जाएंगे। ऊपर से टूटी फूटी गार्निशिंग कर देती हूँ। टूटी फूटी केक बना रही हूँ तो गार्निशिंग ऊपर से तो करना ही पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ये टूटी फूटी केक है। और ये बिना ओवन कुकर में बना रहे हैं। कुकर को मैंने पहले ही नमक एक कटोरी डाली, और इसे मैंने अच्छे से हीट कर लिए, काफ़ी गर्म है, आप सावधानी से रखिएगा, बहुत ही गर्म हो जाती है कुकर। और एक छोटा सा कटोरी रख दे या फिर कोई स्टेन उसके ऊपर डाल दीजिए आप, ये
केक की बेटर। और इससे आप चाहे तो सीटी हटा दें। ये कुकर की सीटी ऑलरेडी पहले से ही ख़राब है, तो मैंने इसकी रबर निकाली हूँ। आपके अगर कोई भी कुकर आपके घर में पड़ा हुआ है जिसकी सीटी वगैरह ख़राब है, वही यूज करिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा पकता है तो गंदी हो जाती है कुकर, और मैं इसे इसी में इस्तेमाल करती हूँ। तो इसे चेक कर लेते हैं, लगभग 15 से 20 मिनट हो गई है। और ये देखिए 15-20 मिनट में ये नहीं होती है, कम से कम इसे 30 से 35 मिनट चाहिए। तो 10 मिनट मैंने छोड़ दी और 10 मिनट बाद चेक कर रही हूँ तो ये पूरी तरह से चाकू क्लीन आ रही है। तो ये पूरी मुझे 35 मिनट पकाने में लगी है। तो ये देखिए, चलिए इसे निकाल लेते हैं, किसी चूटे की हेल्प से निकालें, हाथ से ना निकालें क्योंकि बहुत गर्म होता है ये, या फिर कुकर या केक टिन को ठंडा होने दें उसके बाद ही निकालें। और इसे निकाल लेते हैं सावधानी से। मैंने निकाल करके और केक टिन को प्लेटफॉर्म पे रखी हूँ, इस पर ठंडी हो गई है, मैंने 2-3 मिनट में थोड़ी सी ठंडी हो गई है। तो चारों तरफ से मैं चाकू चलाई और ये अच्छे से निकल जाएंगे। तो दिखाती हूँ, प्लेट ले लीजिए और ऊपर से ऐसे कीजिए और थोड़ी सी इस तरह कीजिए और थोड़ी सी टैप कर दीजिए, फटाक से निकल गया ना। और ये जो वाइट वाइट आपको दिख रही है, मैंने मैदा लगाई थी ना डस्ट करने के वक्त, वही वाइट वाइट दिख रही है जो मैं तेल के साथ डस्ट की थी। और ये देखिए कितनी यम्मी टेस्टी केक घर में बनाइए और बिना ओवन का, कोई भी झंझट नहीं, कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं, बस घर की कुछ चीज़ों से आप इतनी सॉफ्टी सॉफ्टी केक बना सकते हैं। तो कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्टी बनी है। टूटी फूटी केक हर किसी को पसंद आता है, मुझे भी पसंद है, बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। तो आपने देखा कितनी स्पंजी और कितनी सॉफ्टी केक बनी है। यकीन मानिए आप एक बार बनाइए तो आपको अच्छे से इसकी रिजल्ट समझ में आएंगे। और ये देखिए बहुत ही यम्मी सी केक बन करके रेडी हो गई है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।